Hey my loves, welcome to my YouTube channel. If you want to know, my name is Kader. Now I am going to tell you something more about the star. तो 100 बात की एक बात ये है कि looks matter करते हैं. It enhances your personality, it's increase your value. लोग आपको ज़्यादा value देने लगते हैं, लोग आपको ज़्यादा समझने लगते हैं, लोग आपको आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं. तो बात ये आती है कि अपनी लुक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कैसे किया जाए. So I am here for you, my friend. I am giving you some simple step to follow it. You can follow it and achieve your opportunity, like your job, your girlfriend, and whatever that you want. In order to increase your personality, the very first thing is जो सबसे पहली चीज़ है आपको अपनी personality में add करनी है, वो है आपका haircut. एक fresh haircut चाहिए आपको, जिससे आपकी जो है personality increase हो. मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बालों को कुछ दिनों के लिए बढ़ने दीजिए, 1 से 2 मंथ. उसके बाद आप जाकर उसे एक फ्रेश हेयर कट दिलवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फेस, कि आप पे किस तरह के बाल अच्छे लगेंगे. थोड़े से हेयर थोड़े से लॉन्ग होने चाहिए. दूसरा पॉइंट जो है आपकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो है कीप योर बॉडी क्लीन. जी हाँ, हम ज़्यादातर जो है अपने फेस को वॉश कर लेते हैं जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो, बट हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं. जैसे हमारा नेल्स है वो कटा होना चाहिए, हमारे जो बैक साइड है हमारा नेक जो है वहाँ पे हम कुछ बाल अगर हैं तो आपको रिमूव करनी होगी उसे, ठीक है. और ये सारी चीज़ें, आपकी बियर्ड जो है, बियर्ड मैंने देखी है बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी बियर्ड. अगर आपको बियर्ड ग्रो करने का शौक़ है, यू गो फॉर इट, बट स्टिल यू हैव टू बी लाइक वेरी शेप में रखना होगा, ओके. क्योंकि देखिए जब बियर्ड की यहाँ ये लाइंस जो है ये काफ़ी शेप में आनी चाहिए. आपकी बियर्ड जो है थोड़ी सी वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए, सो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके नोज़, आपके ईयर में किसी तरह की जो है कोई गंदगी ना हो, उसे क्लीन करनी होगी. आपके होंठ जो है फटे हुए ना हो, ये सारी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी. आपको अपने होंठ के भी ख्याल रखने होंगे. आप रात में सोने से पहले कोई सा भी लिप बाम यूज़ कर लो, बोरो प्लस वगैरह होते हैं ऐसे. बोरो प्लस काफ़ी अच्छा है एक्चुअली यार, मैंने इवन यूज़ किया उसे. ठंडे में क्या होती है कि हम लोग पानी जो है ठंड में थोड़ा कम पीते हैं, हमें लगता है कि पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, हमें पानी, बॉडी में पानी है. तो ठंड में कम पानी पीने की वजह से भी हमारे होंठ फट जाते हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पे बाल होते हैं, तो उनको आप क्लीन कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो, उसके पे ध्यान रखनी है. इन जगहों पे बाल अच्छे नहीं लगते, आप उनको क्लीन करवा सकते हो. इन जगहों पे इस जगह, इन जगहों को आप प्रॉपरली जो है शेव करें, या आप सैलून में जा रहे हो या आप घर में शेव कर रहे हो, आप इन जगहों को क्लीनली शेव करें. ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी. और जो थर्ड स्टेप है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल. जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल. मीन्स ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है. आप जिस किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप इट्स मे बी इट्स हिंदी, इट्स इंग्लिश और मे बी अदर रीजनल लैंग्वेजेस, बट आपका जो सेंटेंस है वो आपका काफ़ी क्लियर होना चाहिए. आप लोगों को कम्युनिकेट करवाओ अपनी बातों से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहीं जॉब इंटरव्यूज़ पे जा रहे हो, या आप कहीं किसी डेट पे जा रहे हो, या आप किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जा रहे हो, या आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपकी सबसे पहली जो परख है वो कम्युनिकेशन होती है. आपकी लुक वहाँ तक आपको साथ दिला सकती है जहाँ तक आप नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे. पर्सनैलिटी में इंक्रीज़ करने के लिए वो है आपको आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा एक्सेसरीज़ ऐड करनी होगी. आपको थोड़े से एक्सेसरीज़ पहनने होंगे. एक्सेसरीज़ कुछ भी हो सकते हैं, वो रिस्टबैंड भी हो सकते हैं. आप 5 रुपये 10 रुपये बहुत महंगा जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये $69 और 98 सेंट्स का आपने कोई बैंड ख़रीद लिया हो कोई बड़े से वेबसाइट से. इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल. डोंट वेयरिंग टू मच एसेसरीज़, क्योंकि वो मेरे हिसाब से लड़कों को ज़्यादा एसेसरीज़ अच्छी नहीं लगती हैं. थोड़ी सी ज़रूरी है. एक वॉच होनी चाहिए आपको, मे बी वो चैन वॉच हो सकती है, बेल्ट वॉच हो सकती है. एक बैंड होना चाहिए आपके पास. और अगर चश्मे आप लगाते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, और दैट्स ओके मैन. डोंट वेयर टू मच एसेसरीज. मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा है कि वो जो है बहुत ज़्यादा एसेसरीज ऐड कर लेते हो. एक्चुअली जस्ट little bit single strip और सिंगल जो भी मोती की माला पहनो या फिर बैंड पहनो या फिर फ्रेंडशिप बैंड पहनो, जो पहनना पहनो वो फॉर इट। और सबसे लास्ट चीज़ जो है वो है आपका स्किन केयर रूटीन। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइज आपके स्किन केयर रूटीन, क्योंकि आपके फेस, आपकी पर्सनैलिटी जो है, सबसे पहले लोग आपका फेस देखते हैं। तो आपका फेस अगर ग्लोइंग है और आपका फेस अगर खूबसूरत दिख रहा है और आप अगर अच्छे लग रहे हो ना, तो थोड़ा सा सब कुछ अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। अगर वो सामने वाला बंदा कुछ झूठ भी बोल रहा हो ना, मतलब कुछ थोड़ा सा गलत भी बोल रहा है ना, तो ऐसा लगता है यार चलो इसको तो माफ़ी मिल जाएगी इसका तो दूध भात है भाई। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ठंड के दिनों में हम धूप में रहने लगते हैं बहुत ज़्यादा, हमें धूप अच्छी लगती है बट इसमें स्किन थोड़ा सा डल हो जाता है। तो आपको एक सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। जब भी आप घर से अपने बाहर निकलते हो या ज़्यादा धूप ले रहे हो तो आप एक सनस्क्रीन का यूज़ करो। रात में आप एलोवेरा का यूज़ करो, तो आप एलोवेरा यूज़ करो, अच्छे ब्रांड का यूज़ करो जिसमें 99% एलोवेरा हो। एक थिक लेयर एलोवेरा की अपने फेस पे अप्लाई करो। यूज़ करता हूँ एटलीस्ट, मुझे भी काफ़ी एक्ने वगैरह हो रहे थे, मेरी भी स्किन काफ़ी डल पड़ गई थी कुछ दिनों पहले, बट स्टिल आई एम यूजिंग एलोवेरा राइट नाउ। मैं इसे अपने बालों में भी अप्लाई करता हूँ, स्कैल्प पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्प पे लगाओगे अगर तो ये आपके लिए हानिकारक है। जैसे और सिरम वगैरह है, सिरम को आप स्कैल्प में नहीं लगा सकते, आप उसको ऊपर लगा सकते हो बाल में, स्कैल्प में नहीं लगा सकते। बट आप एलोवेरा अगर यूज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल स्कैल्प से लगा सकते हो। सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट जो आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर पर्सनैलिटी, इन्हेंस योर पर्सनैलिटी, टू गेट योर गुड जॉब, टू गेट एंड वेल ग्रूम्ड गर्लफ्रेंड एंड एवरीथिंग। जो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे में बताइए कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और हो सका तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद यूज़ की है। हो रहे हैं या आपको किसी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको बताया जाए और आपको भी स्मार्ट बनाया जाए। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काम आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे में। अगर आपको जिस तरह की प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें नीचे में, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो हेयर फॉल पे ही बनाने वाला हूँ। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के, इवन मेरे भी होते थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जानो कि वो हेयर फॉल को कैसे हम रोक सकते हैं। थैंक यू गाइज, गुड लक।